हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस दिवाली क्लैश की कंटेंडर भूल भुलैया 3 की डे वन एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो गई है। बॉस, जहां एक तरफ सिंघम की एडवांस बुकिंग अभी तक ओपन नहीं हुई है, भूल भुलैया की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भी आ गई है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि कौन से स्टेट्स में एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है भूल भुलैया की और अभी तक नंबर कहाँ तक पहुंचा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेक्ट जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी एडवांस बुकिंग, जो मैंने आपको कल बताया था कि लिमिटेड लोकेशन में ओपन हो चुकी है। कल सुबह सुबह का जो सिर्फ लोकेशन थी वो केवल बॉम्बे थी, लेकिन उसके बाद और भी कई स्टेट्स में, और भी कई सिटीज में, स्टेट्स में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। तो नंबर्स बताने से पहले मैं आपको एक स्टेट का थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ कहाँ कहाँ पर कितने शोज ओपन हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में अभी एट शोज आर ऑलरेडी रनिंग फॉर ओपन फॉर एडवांस बुकिंग। बिहार 14 शोज, गुजरात में 291 शोज, हरियाणा में 29 शोज, मध्य प्रदेश में 86 शोज, महाराष्ट्र में 209 शोज, पंजाब में 40 शोज, राजस्थान में 33 शोज ओपन हो गए, तमिलनाडु 5 शोज, तेलंगाना 5 शोज, उत्तर प्रदेश 107 शोज, उत्तराखंड 32 शोज, दिल्ली 95 शोज एंड जम्मू कश्मीर 9 शोज। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा शोज इस वक्त पर गुजरात में ओपन हो गए हैं भूल भुलैया के। और मैंने आपको बताया भी था कि सिंगल स्क्रीन्स की तरफ से बहुत अच्छा अभी से सपोर्ट दिखने में दिखाई दे रहा है। जब हम बात कर रहे थे कि भाई सिंगल स्क्रीन्स को एक डबल डील ऑफर हुई है, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि डबल डील ऑफर हुई है जिसमें पुष्पा की डील भी साथ में है, तो इसीलिए सिंगल स्क्रीन्स ने अभी से पहले से ही सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो जयपुर का राज मंदिर हो या फिर मुंबई के सिंगल स्क्रीन हो या दिल्ली के, सब जगह से अब एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है। लेकिन ये फुल फ्लेज्ड ओपन कहाँ, कब होगी, क्या होगी, देखो आज मंडे है, आज शाम तक भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन कल से और जगहों पर भी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। इसके इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई क्या मुझे कहीं पर हाउसफुल फिलिंग फास्ट का अभी से ऐसा हाइप देखने में मिल रहा है, तो ऐसा हाइप अभी केवल अमृतसर और देहरादून में, ऐसे शहरों में मुझे दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा किसी भी शहर में मुझे हाउसफुल फिलिंग फास्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई देखो, जहां पर एक तरफ स्क्रीन काउंट्स का झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है कि नहीं हमको ज्यादा चाहिए, भूल भुलैया टीम कह रही है 50-50 करो, सिंघम कह रही है नहीं हमको ज्यादा चाहिए, कहीं कहीं पर भूल भुलैया की मांग भी मान ली गई है, 50-50 शोज की मांग मान ली गई है, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड वही होगा जो ऑडियंस चाहेगी। जैसा हाइप चलेगा, जैसा फिल्म का रिस्पॉन्स होगा, जैसा इसका रिव्यू वर्ड ऑफ माउथ आएगा, उसके दम पर ही शो काउंट्स फिल्मों के रहते हैं, चलते हैं और सस्टेन हो पाते हैं। सो उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं अभी तक की एडवांस बुकिंग कितनी हो गई है। सो एज ऑफ टुडे अभी लिमिटेड एरियाज के हिसाब से एडवांस बुकिंग भूल भुलैया 3 डे वन की हुई है 10.64 लाख की। 3763 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट और 1000 शोज ओपन हो गए हैं। 1000 शोज आर ऑलरेडी ओपन फॉर भूल भुलैया। वहीं साथ साथ में अगर मैं आपको बुक माई शो पर दिखा देती हूँ कि मुंबई में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुंबई में कुछ एक थिएटर्स हैं जहां पर सिंगल स्क्रीन्स हैं, जहां से ऑलरेडी एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, तो मूवी मैक्स, मूवी टाइम की जितनी भी चेन है, मतलब दीज आर, आप ये समझो दीज आर नॉन नेशनल चेन्स, और ये लोग क्या है कि पहले से ही एडवांस बुकिंग अपनी काफी जगहों पर, काफी एरियाज में मुंबई में ओपन कर चुके हैं। सो इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जब आप बुक माई शो ओपन करोगे तो आपको भूल भुलैया 3 की एड रन होती है दिखेगी। वो जो 3-4 सेकंड की एक एड आती है शुरू में, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है भूल भुलैया की। और अगर मैं बात करती हूँ सिंघम को लेकर क्या चल रहा है, तो अगर मैं सिंघम को सर्च करती हूँ यहाँ पे बुक माई शो पे, तो अभी तक भी एडवांस बुकिंग का कुछ अता पता नहीं है। मुंबई जैसे शहर में अभी तक कहीं एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है सिंघम की। तो आज एक्सपेक्टेड क्या है, आज एक्सपेक्टेड है नंबर्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा बड़ा चेंज आज नहीं आएगा, असली चेंज आना शुरू होगा वेंसडे से। ऑल्दो फिल्म रिलीज के बहुत पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी जो मेन फोकस ऑडियंस का है वो यही है कि बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल्स सभी लोग उसमें बिजी हैं, लेकिन आफ्टर दैट जब फिल्म जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, और एक सभी को पता है कि दिवाली क्लैश होने वाला, दो फिल्में आने वाली, तो उस टाइम पर ज्यादा अच्छी एडवांस बुकिंग होगी। अभी तो इट्स जस्ट लाइक पीनट्स वाली एडवांस बुकिंग है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आज शाम को कुछ नंबर्स में चेंज आए। जितना मैंने ट्रेंड्स देखे हैं और जितना मैं ट्रेड को जानती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि आज बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, चेंजेस वेंसडे से आने स्टार्ट होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ एटलीस्ट सिंघम की भी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए, ताकि फिर पता चलेगा कि एक्चुअली स्क्रीन काउंट से ज्यादा फर्क पड़ रहा है या हाइप से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एक चीज और जाते जाते चेक कर लेते हैं कि IMDb पे क्या चेंज आया है ऑन द हाइप, बिकॉज जब सॉन्ग रिलीज हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा चेंज आता है। तो भूल भुलैया का अगर मैं आपको बताऊं, हाइप बल्कि नीचे ही आई है, 29.4% पे आई है। सिंघम की हाइप अपनी जगह पे है 52.8% पे। देखते हैं अब क्या होगा, आज दिन में क्या कुछ हो सकता है, क्या सिंघम का सेकेंड ट्रेलर आने वाला है, क्या भूल भुलैया 3 के मेकर्स भी कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इसी तरीके से स्टेलमेट चलती रहेगी। लेट्स
होप दैट यू नो थिंग्स चेंज. बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या रिस्पॉन्स है इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स.